मैं हम सूर्य हूँ। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। पिछले आधे घंटे से जो चीजें सोशल मीडिया पर चालू है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अलग तरीके से चीज चालू है। एक वक्त हमने सिर्फ सोचा था कि केजीएफ फिल्म रिलीज हो रही है हिंदी वर्जन में, ठीक है, इतना लोग जानते थे। और ये हम सब जानते थे कि जीरो को ज्यादातर मैक्सिमम स्क्रीन मिलेंगे और जीरो ही एक हद तक ज्यादा स्क्रीन कैप्चर करेगी। ये सही था, हम एग्री है, हर कोई एग्री है। लेकिन जो आधे घंटे से जो बवाल चालू है, पहले तो मुझे लगा एक क्रिटिक कह रहा है, लेकिन दो तीन क्रिटिक्स अब इस बारे में बातें कहना चालू कर दी। एक ही तरह की बातें रिपीट हो रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया में एक ही तरह की बातें रिपीट हो रही है कि अनिल थड़ानी, यानी कि जो केजीएफ के डिस्ट्रीब्यूटर हिंदी वर्जन के साथ ही एक्सेल एंटरटेनमेंट, वैसे एक्सेल एंटरटेनमेंट का यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि अनिल थड़ानी करण जौहर के साथ मिलकर ये फोर्सफुली कह रहे हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो भी बनाया था, ये फोर्सफुली कह रहे हैं एग्जीबिटर्स को कि भैया आपको 50% स्क्रीन्स देनी पड़ेगी जीरो के साथ साथ केजीएफ को, अदरवाइज हम फिल्म रिलीज नहीं करने देंगे। वो तो छोड़ो, यहाँ पे बात करें कि 2.0 हम आपको नहीं देंगे अगर आप रेडी नहीं होते हो 50-50 शेयरिंग के लिए जीरो वर्सेस केजीएफ का। यहाँ पर कुछ ही क्रिटिक्स ने अभी तक इसके बारे में मुंह खोला है। मैं भी बता दूं, ये ऑफिशियल तौर पर नहीं है और यहाँ पर ये देखना होगा कि दे आर डिवाइडिंग एंड प्लेइंग राइट। मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता हूँ, जो करना चाह रहे हैं वो लोग, आई डोंट वांट दिस टू बी हैपन। डिवाइड एंड रूल प्ले वाला सीधा सीधा है, दे आर डूइंग एसआरके वर्सेस यश वर्सेस अक्षय कुमार और रजनीकांत, दे आर डूइंग लाइक दिस, क्योंकि 2.0 वर्सेस केजीएफ वर्सेस जीरो वाला बैटल यहाँ पे भिड़ाना चाहते है। यानी कहीं ना कहीं अभी से ही शाहरुख खान के फैंस में केजीएफ के लिए और कहीं ना कहीं जीरो के फैन, सॉरी 2.0 के फैंस के लिए जीरो के लिए, या क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो और 2.0 के लिए नफरत हो जाए। आई मीन दे आर डूइंग लाइक थ्री साइडेड गेम राइट। जीरो को नफरत हो जाए केजीएफ से, जीरो के जो फैंस यानी शाहरुख खान के केजीएफ से, और 2.0 के फैंस को नफरत हो जाए जीरो से भी और केजीएफ से भी। तो दिस इज व्हाट इज दे आर ट्राइंग टू डू, दिस जितना मेरे को समझ में आता है, एंड दिस इज ऑल टेक्निकल वेरी डिफिकल्ट थिंग। और इसमें से ऑफिशियली किसी ने कुछ कहा नहीं है, आपको बता दूं। कुछ ही क्रिटिक्स है, चंद क्रिटिक्स जो हमेशा अपनी ओपिनियन चेंज करते रहते हैं। ये वो क्रिटिक है जो बिग बॉस पर भी अपनी राय देते हैं, ये वो क्रिटिक है जो छोटी छोटी चीजों पर भी अपनी राय देते हैं, ये वो क्रिटिक है जो एक फिल्म को सपोर्ट करते दूसरी फिल्म को बहुत बुरी तरह से गिराने वाले क्रिटिक्स है। तो आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, केजीएफ वर्सेस जीरो मत करिएगा, दिस इज ए वेरी बैड थिंग। किसी ना किसी तरह से नेगेटिव पब्लिसिटी भी अगर केजीएफ को मिली तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बिकॉज केजीएफ इज ए बिग थिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीरो नहीं, जीरो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जीरो 90% स्क्रीन कैप्चर करेगी ये बात हमने सुनी थी, और केजीएफ को 5 या 10% मिलेगी, इससे भी सब लोग खुश थे। लेकिन ये जो नया बैटल आ रहा है कि डिमांड कर रहे जो ए फिल्म्स के हेड है अनिल थड़ानी की 50-50% शेयर मिला, आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेकिन ये चीजें जरूर डिवाइड एंड रूल वाला चीजें हो रही है। एंड आई वांट द बेस्ट फिल्म शुड विन, और अच्छा कंटेंट ही आगे चलेगा, सभी को पता है। तो लेट्स बी पेशेंट इन सब बातों पे, अपना माइंड सेट अलग मत करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको जीरो भी देखे, आप केजीएफ भी देखे, क्योंकि मैं भी उसी मूड सेट में हूँ, मैं भी वही करने वाला हूँ। तो नेवर डिवाइड यूर सेल्फ, दिस इज जस्ट ए डर्टी क्रिटिक्स पॉलिटिक्स अगेंस्ट द फिल्म्स फॉर जीरो और केजीएफ और 2.0। चलिए फिलहाल कितना है।